इन दोनों को, इस वाले रोड को और उधर वाले रोड को, आपको दोनों को एक समान, हम 14 नंबर का रिंच लेके आप इसको यूं टाइट कर लेना है, देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। दोस्तों आप देख रहे हैं मुझे माय इंडियन सुनील चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने ई रिक्शे का जो ब्रेक है, अगर आपका ई रिक्शे का ब्रेक नहीं लग रहा है तो मैं आज उसको आपको टाइट करना बताऊँगा, कैसे आप खुद से ही आप ब्रेक को टाइट कर सकते हैं और वो फिर दोबारा ब्रेक आपका लगने लग जाएगा ई रिक्शे का। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आपको ब्रेक टाइट करने के लिए कौन कौन से टूल की ज़रूरत है। आपको एक 14 नंबर का रिंच चाहिए और एक 13 नंबर का रिंच चाहिए दोस्तों। ये दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए और आइए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे आपको टाइट करना है। इन पीछे वाले जो टायर हैं उनको कैसे आपको टाइट करना है, अभी हम पीछे वाले के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आगे वाले के बारे में हम बाद में बताएंगे। आइए तो दोस्तों, पहले ये जो आपको ये दिख रहा है ऐसे ही उस साइड भी आपको दिया गया है, इसे रोड कहते हैं, ब्रेक रोड। तो इसको अभी आपको टाइट नहीं करना है, इससे पहले इसमें एक बीच में आपको एक रोड दिया होगा, मेन रोड जिसे कहा जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ इसके नीचे होगा, ज़रा दिखाइए ये वाला, इसे हम मेन रोड कहेंगे। पहले हमको इसको टाइट करना होगा, इसे आप टाइट करेंगे, हम 14 नंबर का रिंच लेके आप इसको यूं टाइट कर लेना है, देख सकते हैं दोस्तों। यूं घुमाएंगे और आपको गिन लेना है आप कितने बार इसको घुमा रहे हैं, उसी के हिसाब से आप ब्रेक दबा दबा कर चेक कर लीजिए। जैसे मैं इसको घुमाया हूँ 2 बार, फिर आप ब्रेक दबा के आप ट्राई कर सकते हैं ये पैडल मार के पीछे वाले दोनों ब्रेक को। अगर फिर भी अगर जो नहीं हो पाता तो आप इन दोनों को, इस वाले रोड को और उधर वाले रोड को, आपको दोनों को एक समान ही टाइट करना होगा, ठीक है। दोनों रोड को ऐसे ही रोड वहाँ भी होगा तो इसे भी आप टाइट करेंगे 14 नंबर के रिंच से और 13 नंबर के रिंच से होगा ये, तो आपको ऐसे घुमा लेना है। तो इस तरह घुमाएंगे तो आपको गिन लेना है कि मैं कितनी बार घुमा रहा हूं। मैंने अभी 3 बार मैंने इसे घुमाया, फिर आप उधर भी जाएंगे, उधर भी आप 3 बार ही घुमाएं ताकि दोनों सेम लगे ब्रेक, दोनों पहियों का जो ब्रेक बिल्कुल एक समान लगे और कोई दिक्कत ना हो। इस तरह कर लेंगे और आप चेक कर लेंगे पैडल मार के कि आपका ब्रेक सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ से पैडल मार के आप चला के चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे वाला जो ब्रेक है, आपको आगे वाला ब्रेक है आप कैसे इसे टाइट करेंगे। एक तो वहाँ से भी टाइट होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा इसे पहले आपको ढीला कर लेना है। पहले यहाँ से आप टाइट करें, यहाँ से आप ढीला कर लें, फिर इसको ऐसे थोड़ा खींच लें, घुमा लें, देख सकते हैं मैं इसे घुमा रहा हूँ, इसे घुमा रहा हूँ और इसके बाद आप इसको टाइट कर लें। यहाँ से आप इस तरह टाइट कर लें, देख सकते हैं यहाँ पे इसको और कुछ चूड़ियाँ जो हैं टाइट हो गई हैं और ये टाइट हो चुका है। और इसके बावजूद भी टाइट नहीं होता है तो मैं आपको आगे वाले जो नीचे जो टायर में होता है वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको एडजस्ट करके। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपको अगर जो ढीला होगा तो इसे भी आप टाइट कर सकते हैं, इसे खोल के मक्खी प्लास से इसे खींच के तार को आपको फिर दोबारा टाइट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने पिछले वाले टायर को भी टाइट कर सकते हैं और अगले वाले टायर को भी टाइट कर सकते हैं, इससे आपका ब्रेक सही तरह से लगने लगेगा। जी दोस्तों, आपका ब्रेक सही तरीके से लगेगा और वह काम करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों हम रोज़ाना ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।